You are watching NTTV News Telangana. Videos are وصدق
مسلمان یہ جانتا ہے کہ عبادت میں نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے پر فرض ہے خواہ وہ مسافر ہو خواہ مقیم ہو خواہ تندرست خرچ کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم پورا حق ادا کر دیے یا جسم سے اپنا جو بھی عمل ہے وہ عمل کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق پورا ادا کر دیے تو آزماتا ہے کہ اس سے زیادہ مال خرچ کرنے کی میں طاقت دیا ہوں وہ انجام دیتا یا نہیں ہر رشوت لینے والا رشوت لے کے جو حج کرتا تو یہ دوڑا پاک آمدنی سے حج ہونا ہے کیونکہ خدا کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا وہ حلال تحیت و طواف پڑھتے ہیں لیکن عام طور پر حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب یا وہاں ادا کرے لیکن وہاں بھیڑ زیادہ رہتی رش زیادہ رہتا اس لیے شریعت جو ہے یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنی عبادت کے ذریعے کسی کے لیے تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین کہ سفر کی دعا سفر کی گواہ پڑھ چکی ہیں اب ایک نمبر بس والے روانہ ہونے کے لیے تیار صبح کون مارے ہاتھ بتائیے حاجی صاحب ہاتھ بتائیے جمع ہاتھ بتاؤ
सेकंड निकल जा रहा है, छोड़ो छोड़ दो झंडा, छोड़ो झंडा, छोड़ो जी झंडा, छोड़ दो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व निअमत लक वल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समी है, मैं निर्मल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा हज में खुरा में नाम आया है, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था, ये साल मेरा खुरा में नाम आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूँ। हज कमेटी की तरफ से इंतजामियात बहुत अच्छे है, हर आदमी खिदमत में लगा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हज कमेटी के सभी लोगों के लिए हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। हम सब तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए भी हम दुआ करेंगे, हमारे हज कमेटी के साथ ताल्लुक़ रखते हुए सब लोग इमदाद में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। हिंदुस्तान के जो फ़िलहाल जो हालात है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे, भाईचारे का माहौल बने इसके लिए भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करे, हम सब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी आज का ये मुबारक दिन हमें हज हाउस में मिला है, हम अल्लाह ताला के हम मुखारिब बंदों में शामिल हो गए हैं और हज के लिए जा रहे हैं, और हमारे सबके हजों को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह से ये दुआ करूँगी कि मैं हमारे तेलंगाना के लिए अच्छे हालात बन जाए, सुधर जाए, गंगा जमनी तहजीब में कुछ फिरखेवारियत ना हो, कशीदगी ना हो और तशद्दुद ना हो, मैं ये दुआ करूँगी। और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मैं बहुत दुआ करूँगी कि अच्छा हुकुमरान आए और अच्छी तरीके से हुकूमत की कारकर्दगी संभाल सकें और बेहतरीन हिंदुस्तान कहलाए, सारे मुल्कों में हमारा मुल्क बेहतरीन कहलाए, मैं इसके लिए भी दुआ करूँगी माशाल्लाह। और मैं इतना कहना चाहूँ कि हमारे जो भी हुजाज अकराम सब जा रहे हैं पहले काफिले से, इस काफिले के पूरे तमाम हुजाज अकराम और जितने भी अब आगे भी आने वाले हैं उन सब की सेहत आफियत अता फरमाए, हमारी भी सेहत आफियत अता फरमाए, और तमाम अराकीन के साथ पूरे हज की कबूल मबरू कबूल होते हुए हम अपने सफ़र को अपने घरों को लौटें और सेहत आफियत के साथ। मैं हम सब के लिए दुआ की गुजारिश करती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि हमारे भी जो हम दुआएं मांग रहे हैं उसमें कबूलियत अता फरमाए माशाल्लाह से। अल्लाह के फजल व करम से आज हमारा पहला काफिला और पहली बस यहाँ से रवाना हो चुकी है, जिसमें खासकर हमारी पूरी हज कमेटी के जितने मेम्बरात है और जितने यहाँ के वॉलंटियर्स है और यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ासकर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबका ताउन था, हर कोई अच्छे से अच्छा हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम कर ये हमारे कैंप को पहले जो आज का कैंप पहले वो हुआ है, पहले फ्लाइट का माशाल्लाह अच्छी तरीके से उसका आगाज़ हुआ है। शुक्रिया।